हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ये तो मेरा सौभाग्य है कि सर्वप्रथम आपके दर्शन मुझे हुए हैं। माता, रघुवीर को जब पता चलेगा कि आप सकुशल लंकापुरी में हैं, तो निश्चय कीजिए उन्हें यहाँ आने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं होता कि मेरे स्वामी का संदेश लेकर कोई सचमुच मेरे पास आया है। मुझे भय लग रहा है कि कहीं मेरी नींद खुल जाए और मुझे पता चलेगा कि मैं एक स्वप्न देख रही थी। हे कपि श्रेष्ठ, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मेरे स्वामी भी मुझे उतना ही याद करते हैं जितना कि मैं उन्हें करती हूँ? मुझे क्षमा करना माता, प्रभु राम का प्रेम आपसे कहीं अधिक है, पर उसे कोई देख नहीं सकता। सिद्धि की ओर धन दुर्बल संतप्त मन करत राम को जा धर्मशील गुण खान सिय अपनो परिचय आप। चारित्र में चूड़ामणि तनशील भूषण सोहते नैना अथक अविराम अपलक राम को मग जोहते मृत प्राय किंतु न प्राण निक से राम प्रभु के मोहते चती सीता सती जिन्हीं विदग्ध विछोहते। त्रिगटा, मेरी मशाल भी जला दो। सबकी मशालें जल गई? हाँ, जल गई। सर्वांग सुंदरी, हमें देखकर तुम भयभीत क्यों होती हो? हम तो तुमसे प्रेम करते हैं। यह अनुपम सौंदर्य ब्रह्मा जी ने केवल तुम्हें प्रदान किया है। तुम्हारे पश्चात ऐसा रूप उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को नहीं दिया। ऐसे रूप सौंदर्य की स्वामिनी होकर इस प्रकार पृथ्वी पर सोना, निरंतर चिंता करते रहना,
मैले वस्त्र पहनना, कई कई दिन तक उपवास करना, यह सब तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारे लिए तो हमारे महल में दिव्य आभूषण, हीरे मोती माणिक रेशमी परिधान, संसार के सर्वोत्तम भोजन, बहुमूल्य पेय पदार्थ अर्थात संसार के सारे सुख हाथ बांधे तुम्हारी सेवा के लिए खड़े हैं। तुम वहां आ जाओगी तो रानी मंदोदरी और हमारी सहस्त्र स्त्रियां दासियां बनकर तुम्हारी सेवा करेंगी। तीनों लोकों में ऐसा सुख किसी स्त्री के भाग्य में नहीं होगा। सचमुच श्री राघव की धर्म पत्नी होने का परम सुख जो मेरे भाग्य में लिखा है वो तीनों लोकों में किसी स्त्री के भाग्य में नहीं लिखा होगा। राघव की धर्म पत्नी बनने का सुख उस वनवासी भिक्षुक के पास अब क्या रखा है। अब उसके सपने देखना छोड़ दे मूर्ख स्त्री, पहले तो उसे यह भी पता नहीं चलेगा कि तुम कहां हो, और यह पता लग भी गया तो लंका में कोई मानव प्रवेश नहीं कर सकता, और अब तो यह भी भरोसा नहीं कि वह जीवित भी होगा या पत्थरों से सर पटक पटक कर मर गया होगा। उसे भूल जाओ, एक बार मेरी ओर देखो त्रिभुवन सुंदरी, केवल एक बार। किसी भी स्त्री का छल बल से हरण करना, उसे बलपूर्वक अपनी पत्नी बना लेना, यह राक्षसों का स्वधर्म है। फिर भी हम तब तक तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे जब तक तुम स्वयं हमारे प्रेम को स्वीकार करके हमारी भुजाओं में नहीं आ जाओगी। रावण, जुगनू की चमक से सरोवर में कमलनी नहीं खिलती। याद रखो, जिस प्रकार सूर्य से उसकी प्रभा अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं भी श्री राम जी से अभिन्न हूं। जिस प्रकार एक पापी पुरुष सिद्धि के लिए पूजा का अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार तुम भी मेरी याचना के योग्य भी नहीं हो। मैं पतिव्रता हूं, मैंने एक बड़े कुल में जन्म लिया है, मेरा एक पवित्र कुल में संबंध हुआ है, मुझसे कोई लोक निंदित कार्य संभव नहीं हो सकता। तुम अपना मन मुझसे हटा लो, नहीं तो इसी पाप की आग में तुम अपने स्वर्ण लंका समेत भस्म हो जाओगे। तुम्हें श्री राम की शक्ति का आभास भी नहीं है, उनके धनुष की टंकार मात्र से लंका द्वीप समुद्र की गर्म में डूब जाएगा। एक तुम्हारे पाप के कारण सारे संसार में राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा। बस बहुत हो चुका उन दर दर भटकते हुए वनवासियों की शक्तियों का वर्णन। सीते, हम प्रेमवश तुमसे मीठी बात करते हैं, इसी कारण हमें बहुत नरम समझकर तुमने हमारी शक्तियों को नहीं पहचाना। भ्रुकुटी मात्र हिला दें तो सूर्य चंद्र डर के मारे अपने अपने स्थान पर कांपते हुए ठहर जाएं। हमारी गर्जना सुनकर हिमालय डगमगाने लगता है, समुद्र आकाश पाताल में रहने वाले समस्त देव दानव यक्ष गांधर्व किन्नर नाग असुर यहां तक कि नवग्रह भी हमारे आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। यदि ऐसी ही अपनी वीरता का गर्व था तो उस दिन छल से मेरे पति और मेरे देवर को आश्रम से दूर भेजने का कुचक्र न रचाते और उनके चले जाने के पश्चात मेरा हरण न करते। यदि वो उस समय वही होते तो उसी समय इस दुष्कर्म का फल तुम्हें मिल जाता और इस पृथ्वी पर से तुम जैसे पापी का बोझ कम हो जाता। तुम जानते थे कि युद्ध में उनसे पार पाना असंभव था। जैसे एक कुत्ता दो शेरों के सामने आने से डरता है, उसी प्रकार तुम भी उनके होते हुए हमारे कुटिया में पैर न रख सके। सीते, तुमने जो अपमान भरे वचन कहे हैं, उसका एक ही दंड है, अपने इस चंद्रहास खड़क से तुम्हारा शीश काट लो। मृत्यु से तुम्हें एक ही बात बचा सकती है, अपनी इच्छा से हमारी शरण में आ जाओ। और तुम्हें भी एक ही बात बचा सकती है पापी, अब भी श्री राम प्रभु के शरण में चला जा, वो बड़े शरणागत वत्सल है, शरण में आने वाले के सारे दोष क्षमा कर देते हैं। मुझे भक्ति और आदर के साथ मेरे प्रभु के पास पहुंचा दो, नहीं तो इस लंका की ईंट से ईंट बच जाएगी, तुम्हारे राक्षस कुल का समूल विनाश हो जाएगा, इस नगरी में केवल डाकनी और दूत रहेंगे। सीता, अपनी मृत्यु का आह्वान न कर। यदि मुझे मृत्यु आ जाए
तो मेरे सारे दुख छूट जाए। हे चंद्रहास खड़क, यदि तुम भगवान शिव का वरदान हो तो तुम्हें उन्हीं भगवान की सौगंध है कि इस पापे से मेरी रक्षा करो, मेरा शीश काट कर मेरा पतिव्रत धर्म बचाओ, जिससे भगवान शंकर को भी पता चले कि ऐसे किसी कुपात्र शिवान की भांति कामी और पापी पुरुष को शक्तियां देने का परिणाम क्या होता है। अच्छी बात है, तुम लो। नाथ, आप जैसे महान योद्धा, तीनों लोकों के स्वामी और ऐसे शक्तिमान राजा का एक निसहाय और अबला स्त्री पर अस्त्र उठाना शोभा नहीं देता। आप तो समस्त वेदों के ज्ञाता और परम ज्ञानी हैं। आप जानते हैं कि नीति भी स्त्री हत्या को अधर्म मानती है। यदि इसने किसी आवेश में आकर आपसे कुछ अपशब्द कहे हैं तो आप उसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इसी में आपका गौरव है। और फिर इस समय वो आपकी अतिथि हैं, उस रीति से भी आपको उसे इतना कठोर दंड नहीं देना चाहिए। अच्छी बात है, हम तुम्हें 2 मास की अवधि देते हैं। याद रखो, यह 2 मास के अंदर तुमने मुझे अपना पति स्वीकार नहीं किया तो हमारे राक्षस तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। तुम सब मिलकर ऐसा उपाय करो सीता शीघ्र ही हमारे वश में आ जाए, प्रतिकूल अथवा अनुकूल व्यवहार से, साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का प्रयोग करके सीता को रास्ते पर लाओ, अन्यथा तुम सबका जीवन समाप्त कर देंगे। से वंशज रावण की भारिया बनना भी कोई बड़ी बात नहीं समझती। पुलत्स जी 6 प्रजापतियों में चौथे हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। पुलत्स के मानस पुत्र महर्षि विश्रवा वो भी प्रजापतियों के समान हैं। महाराज रावण उन्हीं के पुत्र हैं। तुम्हें राक्षस राज रावण की भारिया बन जाना चाहिए। जिन्होंने अपने पराक्रम से नाग गंधर्व दानवों को संग्राम में बार बार नीचा दिखाया, उनके अनुनय पर तुम उनकी भारिया बनना नहीं चाहती। विशालाक्षी, जिनका भय मानकर सूर्य तपना छोड़ देता है, वायु बंद हो जाती है, वृक्ष फूल बरसाने लगते हैं, पर्वतों से जल चूने लगता है, मेघ जिनकी इच्छा पर ही जल बरसाते हैं, उन राज राजेश्वर की भारिया बनने का विचार क्यों नहीं करती? मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम जीवित नहीं रह सकोगी। तुम सब मिलकर लोग विरुद्ध बातें कर रहे हो, ये मेरे हृदय में तनिक नहीं ठहरता। तुम सब मिलकर मुझे खा जाओ, फिर भी मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। जो मेरे पति है वो दीन है अथवा राज्यहीन है, वो मेरे लिए पूजनीय है। मेरा अनुराग सदा उन्हीं के साथ रहेगा। ये राक्षस राज रावण को पति रूप में पाने योग्य है ही नहीं। सीता, तुम महामूर्ख हो, हमने दयावश तुम्हारी अनुचित बातें सह ली। समुद्र के इस पार कोई नहीं आ सकता, तुम रावण के घर में कैद हो, हम तुम्हारी चौकसी कर रही हैं। तुम्हारा भला इसी में है, हमारी बात मान लो। बेमतलब वाद विवाद से क्या लाभ, इसे काट कूट कर आपस में बराबर बांट लो। मुझे छेदो, मुझे काटो, मुझे आग में जला दो, रावण तो क्या, मैं उसकी छाया कभी छू नहीं सकती। सीते, हम सब राक्षसनियां मिलकर तुझे खा जाएंगी। मुझे मारना ही है तो इतनी कृपा करो कि मुझे जल्द से जल्द मार डालो। अब ये दुख मुझे सहन नहीं होता, मैं आप लोगों के पांव पड़ती हूँ। हमारे पांव क्यों पड़ती है दुर्भागिनी? महाराज रावण के पांव पकड़ तो तेरा उद्धार हो जाएगा। हटो, तुम लोग इस प्रकार इस बेचारी को क्यों सता रही हो? हम लंकेश्वर की दासियां हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रही हैं। हमें डर किसका? उस महाकाल का, जो इस समय अपना भयानक मुख खोले लंका और वंश के समस्त राक्षसों को अपना आहार बनाने के लिए आगे बढ़ता चला आ रहा है।
कल रात स्वप्न में मैंने प्रत्यक्ष देखा कि लंका के विनाश का समय अब निकट आ गया है, और ये भी देखा कि स्वर्ण नगरी का विध्वंस कैसे होगा। वही बचेगा जो सीता की शरण में होगा। श्री राम के बाण केवल उन्हें ही जीवित छोड़ेंगे जिन्हें सीता अपने चरणों की छाया में ले लेंगी। मेरा स्वप्न भोर समय का स्वप्न है, अवश्य सच होगा। ऐसा क्या सपना देखा तुमने त्रिजटा? आज मैंने स्वप्न में देखा श्री रामचंद्र आकाश में चलने वाली हाथी दान की पालकी में, जिसमें 1000 घोड़े जुटे हुए हैं, श्वेत वस्त्र धारण करके लक्ष्मण सहित आए हैं। फिर मैंने देखा श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के सहित सूर्य के समान दैदिप्यमान पुष्पक विमान पर चढ़कर उत्तर दिशा की ओर चले गए हैं। रावण मुंह मुंडाए तेल में भीगे हुए लाल कपड़े पहनकर तेल पीते हुए गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। फिर मैंने देखा अपना सर नीचा किए गधे से गिर पड़े। इसी समय लाल कपड़े पहने हुए एक काली स्त्री कीश में लथपथ उनका गला बांधकर दक्षिण दिशा की ओर खींचे लिए जा रही है। यही दशा महाबली कुंभकर्ण और रावण के सब पुत्रों की देखी, केवल विभीषण को ही सफेद छत्र में देखा। इस रमणीय लंका नगरी के बाहरी और भीतरी दरवाजे टूट गए हैं। हाथी, रथ, घोड़े आदि समुद्र में डूब गए हैं। राख से लथपथ लंका में रमणीय राक्षसनियां पागलों की भांति विलाप कर रही हैं। हे सीता, यदि ये सपना सच है तो हमें क्षमा करना रानी। हमारा दोष नहीं, हम तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रही हैं। हम पर क्रोध न करना देवी। नहीं, मुझे आप पर क्रोध नहीं आता। तुम सब अब जाओ, इसे सताना छोड़ दो। अच्छा। इन पर क्रोध मत करना बेटी। मुझे किसी पर क्रोध नहीं आता, केवल अपने आप पर आता है कि ऐसी अवस्था में पहुंच कर भी मेरे प्राण क्यों नहीं छूटते। अवश्य मुझ में कोई खोट होगा जो पति से विहीन होकर भी मैं जीवित हूं। हे मृत्यु की देवी, हम सब तेरे बालक हैं। हम सबको एक न एक दिन तू अपने गोद में बिठाती है। हे माता, मुझ पर उपकार कर, मुझे आज ही अपनी गोद में ले ले। मेरा जीना असहाय हो गया है, मुझे संताप से मुक्ति दिला दे। विपत्ति के समय मृत्यु को नहीं बुलाना चाहिए, ये भीरू लोगों का काम है। मृत्यु तो माँ होती है, उसकी गोद में अवश्य शांति मिलेगी। मृत्यु से शांति नहीं मिलती पुत्री, मन की तड़प तो साथ ही जाएगी, फिर शांति कहाँ? अगर सच्ची शांति चाहती हो तो भगवान शंकर की शरण में जाओ, उनसे प्रार्थना करो। वो दुख नहीं मिटाएंगे, दुख के कारण को ही मिटा देंगे। जिससे दुख ही उत्पन्न ना हो, भोलेनाथ से प्रार्थना करो, स्वयं तुम्हारे राम यहाँ आ जाएंगे। कैसे आएंगे वो माता? कौन उन्हें बताएगा कि मैं कहाँ हूँ? मुझे निश्चय है कि यदि उन्हें पता चल गया होता कि मैं यहाँ हूँ, तो अब तक तो लंका की ईंट से ईंट बजा देते। उनके पराक्रम के सामने तीनों लोकों में कोई नहीं ठहरता। लेकिन उन्हें कौन बताएगा? मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो मेरे रघुवीर तक इतनी सूचना पहुंचा दे कि उनकी वैद्य ही उनके श्री चरणों से दूर राक्षसों के द्वीप में पड़ी बिलक रही है, जिसे निराशा की आंधियों के बीच आशा का दीप टिमटिमा रहा हो, जो कभी भी बुझ जाएगा। इसे बुझने मत दे बेटी, विपत्ति के समय ही भगवान पर विश्वास की परीक्षा होती है। भोलेनाथ का कोई भरोसा नहीं,
किसी भी क्षण अचानक जीवन की धारा निराशा से आशा की ओर मुड़ सकती है। कौन जाने उन्हें पता लग गया हो और श्री राम का संदेशा लेकर कोई आ ही रहा हो तुम्हारे पास। माता, ऐसे सुखद सपने से आंसू तो नहीं थमते। आंसू बहने दे, परंतु ये भी विश्वास रख कि सपने सच होते देर नहीं लगती। अब थोड़ा आराम कर, आज डरकर राक्षसनियां दूर चली गई हैं। थोड़ा चैन से सो ले, मैं प्रातःकाल अवश्य आऊंगी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधुभरी बानी। राम कहानी सुनो, श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी।
शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता भर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता भर के, घर त्याग भय बनवासी पित की आज्ञा सिर धर के, लखन सियाले संग छोड़ी रजधानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके, खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके, उस जनक सुता सीता को छलबल से ले गया हर के, बड़ा दुख पावे, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी, कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम ने मोह बठायो, मैं राम दूत बनायो, ने मोह बठायो, मैं राम दूत बन आयो, सीता मां की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। स्वामी की निशानी है, तो क्या सचमुच यहाँ कोई है? भाई, जो मेरे प्रभु की कथा मुझे सुना रहे थे, वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? अब दिखाई देने वाली या ना दिखाई देने वाली योनि के प्राणी हैं, आप कोई देवता है या मानव, जो भी मेरे स्वामी का संदेश लेकर आए हैं, वो कृपा करके मुझे दर्शन दे। माता, मैं ही प्रभु श्रीराम का संदेशा लेकर आया हूं। माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं पवन पुत्र हनुमान श्रीराम प्रभु का एक सेवक हूं। मैं समझी थी मेरे स्वामी का कोई दूत आया है, परंतु तुम मायावी लोग झूठे झूठे रूप बनाकर मुझे धोखा दे रहे हो। मुझ पर दया करो, मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे और मत सताओ। माता, शंका न करो, मैं सचमुच श्री राम का दूत हूं। मेरा ये सचमुच का रूप है, मैं वानर हूं। अपना पुत्र जानकर मुझ पर विश्वास करो माँ। ये मुद्रिका जो प्रभु ने निशानी के लिए भेजी है, इसे देखो, ये माया की बनी हुई नहीं है, ये वही है जो गंगा किनारे केवट को देने के लिए आपने श्री राम प्रभु को अपने हाथों से दी थी। आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं एक और गुप्त बात बताता हूं।
जो मैंने स्वयं श्री राम के मुंह से सुनी है। आपने रावण के विमान में जाते हुए अपने कुछ आभूषण साड़ी के पल्लू में बांधकर एक पर्वत पर फेंके थे ना? हाँ। वही आभूषण ऋषिमुख पर्वत पर बैठे वानर नरेश सुग्रीव और उनके मंत्रियों के सामने गिरे। जब महाराज सुग्रीव और श्री राम की मित्रता हुई तो सुग्रीव ने जब वही आभूषण प्रभु को दिखाए, उन आभूषणों को देखकर उनकी आंखें भर आईं और साड़ी के पल्लू को देखकर तो वे विह्वल उठे और उसे पकड़कर कहने लगे, जब मैं सोता था तो सीता इसी पल्लू से मुझे पंखा करती थी, जब प्रातः संध्या वंदन से उठता था तो वे यही पल्लू मेरे चरणों में रखकर मेरी चरण रज लेती थी। मुझे ये सब याद है क्या? हाँ माता, सब याद है। वो दिन रात आपकी याद में ही खोए रहते हैं। फिर उन्होंने आज तक मेरी सूदी क्यों नहीं ली? क्यों भुला दिया अपनी दासी को? ये नहीं सोचते कि मेरा एक एक दिन किस प्रकार बीत रहा होगा? न वो आए, न ही मुझे मृत्यु आई। मेरे किस दोष का दंड मुझे मिल रहा है? उस दिन लक्ष्मण की बात तो मान गए, मैंने उसे जो अपशब्द कहे थे क्या उसी कारण उन्होंने मेरा त्याग कर दिया है? तात, उनसे कहो कि मैं लक्ष्मण से भी क्षमा मांगती हूँ, मैं उनसे भी क्षमा मांगती हूँ। वो तो सब पर दया करते हैं, तो मेरी भूल क्यों क्षमा नहीं करते? मेरी भूल क्यों क्षमा नहीं करते? भैंस नरक से उद्धार क्यों नहीं करते? माता, माता, यदि उन्हें पता होता कि आप यहाँ हैं, तो आज तक उन्होंने इस नर को विध्वंस कर दिया होता और आपको मुक्त कराकर ले गए होते। परंतु वे तो आपकी खोज में वन वन भटकते हुए वानर देश किष्किंधा तक पहुंचे। जब उनकी मृतता महाराज सुग्रीव से हुई तो उनकी सहायता से आपकी खोज आरंभ हुई। इस समय सहस्त्रों वानर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में आपकी खोज कर रहे हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि सर्वप्रथम आपके दर्शन मुझे हुए हैं। माता, रघुवीर को जब पता चलेगा कि आप सकुशल लंकापुरी में हैं, तो निश्चय कीजिए उन्हें यहां आने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। अब कोई भी बाधा उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी। विश्वास नहीं होता कि मेरे स्वामी का संदेशा लेकर कोई सचमुच मेरे पास आया है। मुझे भय लग रहा है कि कहीं मेरी नींद खुल जाए और मुझे पता चलेगा कि मैं एक स्वप्न देख रही थी। हे कपि श्रेष्ठ, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मेरे स्वामी भी मुझे उतना ही याद करते हैं जितना कि मैं उन्हें करती हूँ? मुझे क्षमा करना माता, प्रभु राम का प्रेम आपसे कहीं अधिक है, पर उसे कोई देख नहीं सकता। आप तो किसी राक्षसी से अपने मन की बात कह सकती हैं, परंतु प्रभु की विवशता देखो, वो तो किसी से अपने हृदय की बात कह भी नहीं सकते। सारे झंझावात को अपने हृदय के अंदर दबाकर सूखी आंखों से केवल चारों ओर देखते रहते हैं, किसी से कुछ कहते नहीं, रातों को सोते नहीं, उनकी व्यथा कौन जान सकता है? आते समय मुझसे केवल इतना कहा कि हनुमान, सीता से कहना तुम्हारे जाने के बाद मेरी देह प्राण विहीन हो गई है। बस फिर ऐसा लगा कि उन्होंने मूक भाषा में आपके लिए बहुत कुछ कहा जो शायद आप ही सुन सकती हैं। हाँ,
मैं सुन सकती हूँ, मैं सुन रही हूँ हनुमान। उन्होंने मुख भाषा में जो कुछ मुझे कहा वो सब सुन रही हूँ। उनसे कहना कि सीता आप ही की है और आप ही के भरोसे अब तक जीवित है, परंतु अब जीना असहाय हो गया है। अब आने में देरी की तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होगा माँ। तात, तू नहीं जानता मैं कैसे कष्ट में जी रही हूँ। मैंने सब देख लिया है माँ। वृक्ष पर बैठे बैठे रावण का संवाद, इन राक्षसियों का व्यवहार, सब देख लिया। और मैंने ये भी देखा है माँ कि एक पतिव्रता नारी का तेज तीनों लोगों के विजेता और घमंडी रावण को कैसे निस्तेज कर देता है। और ये भी देखा है चंद्रहास जैसी जगत विजयी खड़ग घास के तिनके के सामने कैसे सिर झुका देता है मां। धर्म की शक्ति और अधर्म की दुर्बलता का मर्म आज आपके श्री चरणों के प्रताप से देख लिया है मां। हमें आशीर्वाद दो कि हम वानर जाति श्री राम प्रभु की सेवा में सफल हो और इन राक्षसों का सर्वनाश कर दें। परंतु वानर राक्षसों का सामना कैसे कर सकेंगे? तुमने देखा होगा राक्षस तो एक से एक महाभट है और वानर तो सब तुम्हारे जैसे होंगे ना वत्स? हाँ माता, सब मेरे जैसे हैं, परंतु आपके पतिव्रत धर्म की शक्ति जो एक तिनके को तलवार से टक्कर लेने के योग्य बना सकती है, वो शक्ति भी हमारे साथ होगी ना? ठीक है पुत्र, परंतु राक्षस बड़े मायावी हैं। माँ, आपके आशीर्वाद से और श्री राम प्रभु की कृपा से हम भी उनसे कम नहीं है। आपको आश्वासन देने के लिए मैं आपको अपना एक मायावी रूप दिखाता हूं। जय श्री राम। देखो माता, महाराज सुग्रीव की सेना में तो मुझसे भी अधिक बलशाली योद्धा हैं। आप विश्वास कीजिए, हम उनसे कम नहीं। मुझे तुम पर भरोसा हो गया है वत्स, अब तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। जय श्री राम। यही मेरा वास्तविक रूप है। वो लघु रूप तो मैंने वाटिका में प्रवेश के लिए धरा था। आप शंका न करें मां, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसी समय आपको अपनी पीठ पर बिठाकर लंका से ले चलूंगा। आप मेरे साथ चलिए, मैं सीधा आपको प्रभु श्री राम के पास अभी ले चलूंगा। यहां का कोई भी राक्षस मेरे वेग का सामना नहीं कर सकेगा। हम निर्विघ्न यहां से निकल जाएंगे, आप मेरा विश्वास कीजिए मां। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास हो गया है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों, आप डरती हैं कि यदि लंका के राक्षसों ने हम पर आक्रमण किया तो मैं आपके होते हुए कैसे लड़ सकूंगा? नहीं, मुझे ऐसी कोई आशंका नहीं, पर ये मेरे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध है कि अपनी इच्छा से पर पुरुष का स्पर्श करूं। रावण जब मुझे उठा लाया वो मेरी विवशता थी पुत्र, परंतु स्वेच्छा से ऐसे करना मर्यादा के विरुद्ध है। दूसरा, मैं चाहती हूं कि रावण को मारकर मुझे मुक्ति दिलाने का यश श्री रघुवीर को मिले, जिससे उनका गौरव तीनों लोकों में बढ़ेगा। तुम केवल उनसे इतनी ही प्रार्थना करना कि अब आने में विलंब न करें। बस मेरी इतनी ही विनती है।
अब तुम जाओ, कोई पहरेदार आ जाएगा। तो आने दो, मैं उनसे नहीं डरता। नहीं, उनसे लड़ने में अगर तुम्हें कुक शक्ति पहुंची तो समुद्र लांघना कठिन हो सकता है। अब तुम अपने स्वामी के पास जाओ। माता, मैं उनका गुप्त दूत हूं, मेरा ये भी कर्तव्य है कि जाने से पहले शत्रु के बलाबल की थाह ले लूं, अनुमान कर लूं कि उनकी शक्ति कितनी है, उनकी दुर्बलता कहां है, उनकी दुर्ग रचना कैसी है, उनके अस्त्र शस्त्र कहां हैं। यह ज्ञान युद्ध के समय बहुत काम आएगा। दूसरी बात यह है कि मैं एक और भी लीला करना चाहता हूं जिससे शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न हो और वो सोचने लगे कि यदि श्री राम के दूत में इतनी शक्ति है तो श्री राम प्रभु में कितनी शक्ति होगी। इससे शत्रु का साहस टूटता है और भय युद्ध में उसे निर्बल कर देता है। मेरी चिंता न करो मां, मुझे आज्ञा दें कि जाने से पहले मैं कुछ कौतुक कर जाऊं। अच्छा वत्स, श्री रघुवीर का नाम स्मरण करके अपना कर्तव्य पूरा करो। मां, मुझे भूख भी लगी है, उस वाटिका में सुंदर सुंदर फल हैं, यहीं से आरंभ करता हूं। पहले फल खाऊंगा फिर वाटिका का विध्वंस करूंगा। कोलाहल सुनकर चिंता ना करना, जाने से पहले एक बार आपकी चरण रज लेने आऊंगा। अच्छा। Oh.